हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4। ये यूनिट 1 का आपका आखिरी चैप्टर है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बॉटनी और जूलॉजी आपकी डिवाइडेड है। सो ये जूलॉजी के अंदर आपका चैप्टर इंक्लूड किया हुआ है हमने। सो चैप्टर 4th ऑफ योर बुक, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में जैसा कि मैंने आपको प्रोटिस्टा पढ़ाते टाइम बताया था कि विटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम एक किंगडम प्रोटिस्टा में आपको पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनिमल किंगडम। काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा ये। तो एनिमल किंगडम यानी एनिमल का डिवीज़न। सबसे पहले कुछ बातें तो बहुत क्लियर है कि एनिमल किंगडम में जितने भी हैं वो सभी के सभी यूकेरियोटिक हैं, ठीक है? कोई भी प्रोकेरियोटिक नहीं है, सभी यूकेरियोटिक हैं। सभी की सभी जो है आपके मल्टी सेलुलर हैं। सभी का आपका मल्टी सेलुलर होने का मतलब और आपका सेलुलर प्लेन, वो आगे चलो बात करते हैं। तो मैंने कहा सारे के सारे आपके यूकेरियोटिक होंगे, सारे के सारे आपके मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है? और सभी में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने फूड को खुद बना सके। तो सभी में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा और इनमें सेल वॉल नहीं रहेगी। चार बातें मैंने आपको बताई। क्या चार बातें मैंने आपको बताई? मैंने कहा दे ऑल आर यूकैरियोटिक, राइट? दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर वाली बात मैंने आपको कही, राइट? फिर मैंने कहा दे ऑल आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक ये रहेंगे, ठीक है? यूकेरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं। एंड मैंने कहा देर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट अराउंड इट। चलिए, अब ये तो चलो सारे एनिमल किंगडम की बात हुई, बट एनिमल्स में भी तो बहुत सारे टाइप के आ गए। आप कुछ जानते हो, एक बर्ड है वो उड़ रहा है, आपने उसको बर्ड बोल दिया। एक हम है ह्यूमन, ठीक है? पानी में रहने वाले कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आगे कौन सी कैटेगरी रखेंगे, क्योंकि सारे एनिमल एक जैसे तो नहीं है। इन चार प्रॉपर्टीज़ के अलावा बहुत सारी कैटेगरी प्रॉपर्टीज़ है जो उनमें अलग हैं। तो किन बेस पे हम इन एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, तो अब हम वो पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि आप किस बेस पे किसी को भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उसकी बॉडी में कौन सा सिस्टम चल रहा है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि सबसे पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो देखो, मैं कह रही हूँ सेल हैं बहुत सारे, राइट? पांच सेल हैं मान लीजिए, यानी यूनि तो नहीं हुआ, मल्टी बन गया। अब पांचों के पांचों सेल अपना अपना काम, सारा सेल अपने इंडिविजुअली कर रहे हैं, या सेल्स का ग्रुप मिलके एक काम कर रहा है, टिश्यू बन चुका है, क्या है ऐसा, तो वो बात कर रहे हैं। तो देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार टाइप की हो सकती है: सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। दीज आर द फोर लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन: सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ये क्या कहना चाह रहा है उसकी बात करते हैं। सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर कहता है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, यानी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है? सो बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल विच मे बी सिमिलर और शो माइनर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सब एक जैसे से हो सकते हैं या छोटा मोटा काम डिवाइड किया हो, वरना एक जैसा काम कर रहे हो। जैसे स्पॉन्जेस, अब आपको तो नहीं पता स्पॉन्जेस क्या हैं, ये जो है ना, इनके एग्जाम्पल जो भी मैं आगे तक यूज़ करूँगी वो आपको तब समझ आएंगे जब मैं ये कैटेगरी पढ़ाऊँगी। देखिए, एनिमल किंगडम में ना आप पढ़ेंगे आगे कैटेगरी: स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस। तो वो सब क्या है वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए इनके मीनिंग पे। तो सेलुलर लेवल मतलब है, मैं कहूँ किसी ऑर्गेनिज्म का लेवल सेलुलर है,
ठीक है, ऐसा मैं तभी कहूँगी, उसी कंडीशन में कहूँगी जब उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल है पर हर सेल अपने लेवल पे अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब है, सीधी बात है, सेल्स ने मिलके टिश्यू बना लिया है और टिश्यूज अब काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसमें निडेरियाज में, टीनोफोरा में, ये आप बाद में पढ़ेंगे। देन इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन मतलब क्या है कि टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बना लिया है, तो टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, जैसे प्लेटीहेलमिंथिस यानी फ्लैट वॉर्म, जैसे आप वो देखते हो ना आपका टेप वॉर्म जो होता है उनमें ऑर्गन लेवल चलता है। देन इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लिया, यानी सेल टिश्यू बने, टिश्यू ऑर्गन बने एंड ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बने, राइट। जैसे कि जितनी भी कैटेगरीज आएंगे एस्केल्मिंथिस टू कॉर्डेट के बीच, डोंट फोकस ऑन द एग्जांपल्स राइट नाउ, वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स लेटर, जस्ट गो थ्रू द मीनिंग्स, सो कीप इट इन योर माइंड क्लियर दैट ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन बी ऑफ एनी ऑफ द टाइप, आइदर देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन लेवल, और देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू ऑर्गन सिस्टम लेवल। चलिए एक तरीका तो चलो इनमें से हम कैटेगराइज कर देंगे, आगे क्या फर्दर डिवीजन हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए अगला आपका जो डिवीजन है दैट डिवीजन इज बॉडी प्लैंक्स। बॉडी प्लैंक्स की बात करते हैं। बॉडी प्लैंक्स का मतलब है कि बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ डायग्राम भी है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तीन टाइप का बॉडी प्लान हो सकता है आपका, एक है सेल एग्रीगेट प्लान, एक है ब्लाइंड सेक प्लान और एक है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ठीक है, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। तो देखिए क्या बोला गया है, पहले देखो सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट मतलब क्या होता है, बंच में आ जाना, क्लंप बन जाना। तो सेल एग्रीगेट का मतलब यही है कि जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको और कोशिश करती हूँ क्लोजली, ये देखो ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, बॉडी अलग अलग टाइप के सेल्स के क्लस्टर से बनी है, राइट। इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है उसको कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये एक स्पॉन्जेस का डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया, तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। देखिए व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर और एग्रीगेशन ऑफ सेल। बॉडी में बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इज ब्लाइंड सेक प्लान। ब्लाइंड सेक प्लान कहता है कि बॉडी की एक कैविटी है और उसी कैविटी से वो सारा काम कर रहा है, चाहे खाना अंदर लेना है चाहे निकालना। आप ये देखो ये वाला डायग्राम, आप देखो इस डायग्राम में ये जो है इस पूरी बॉडी का सिर्फ एक ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से खाना अंदर जाएगा और इसी ओपनिंग से वेस्ट बाहर निकलेगा। इस तरीके की सिंगल ओपनिंग वाला जो बॉडी प्लान है उसी को बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। यही लिखा है, द बॉडी हैज अ सिंगल कैविटी विच वन ओपनिंग टू द आउटसाइड। ठीक है, तो सिंगल ओपनिंग दोनों फंक्शन कर रही है, एज माउथ फॉर इंजेशन यानी इनटेक के लिए एंड एनस फॉर इजेशन, तो दोनों के लिए वही काम। थर्ड इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का क्या मतलब है आपका, देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि देर आर टू ओपनिंग्स। आप इस डायग्राम में देखिए देर आर टू ओपनिंग्स, वन इज द माउथ एंड अनदर इज द एनस, यानी माउथ से फूड अंदर आएगा और एनस से वेस्ट बाहर निकलेगा। ये वाला जो बॉडी प्लान आपका दिखाई देता है उसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो क्या लिखा है ट्यूब विद इन ट्यूब में, देखिए द बॉडी हैज टू ट्यूब्स, राइट। बॉडी हैज टू ट्यूब्स, आपको क्या बोला, ये वन फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल, एक तो बॉडी वॉल बनाता है ट्यूब, एंड द सेकेंड फॉर्म विद इन इट। तो एक तो पूरी बॉडी की वॉल बना लेगा और एक ट्यूब अंदर निकल गई, एक ट्यूब बाहर एक ट्यूब अंदर, जिससे निकला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंटिन्यूस ट्यूब दैट हैज टू ओपनिंग है, उसमें एक माउथ है जिससे खाना अंदर लिया जाएगा, एनस है जिससे
वेस्ट बाहर निकाला जाएगा. तो होप दिस इज क्लियर. ध्यान रखेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, दे आर एग्रीगेटिंग टू मेक द बॉडी. अनदर इज ब्लाइंड सैक, विच इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ इनटेक एंड एक्सक्रीटिंग आउट. नेक्स्ट इज द ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जिसके अंदर एक ट्यूब ने बॉडी बनाई, एक ट्यूब ने अंदर से डाइजेस्टिव ट्रैक बनाया. ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया सेकेंड मैंने पढ़ाया जो दैट इज बॉडी प्लान. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले कैटेगरी. किस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स के बेस पे. अब व्हाट इज दिस प्रोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स? अब देखो, एम्ब्रियो बनता है जायगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है चाइल्ड. तो एम्ब्रियो में क्या पहले डेवलप हुआ? पहले माउथ बना या पहले एनस बनी? क्या पहले बना? तो देखो वही है, सिंपल सा है ये, बस वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है. प्रोटोस्टोम्स की बात करें तो प्रोटोस्टोम्स में क्या कहा? द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट, राइट? यानी माउथ अगर पहले बना, प्रोटोस्टोम माउथ पहले बनता है एम्ब्रियो में, एनस बनती है बाद में. इस टाइप को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, राइट? क्लियर है. अगला ड्यूटेरोस्टोम, जिसमें एनस पहले बनती है. द एनस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियो एंड द माउथ इज फॉर्म्ड लेटर. तो अगर माउथ पहले बने, एनस बाद में, तो प्रोटोस्टोम्स आपके जो है, एनस पहले बने, माउथ बाद में बने, तो ड्यूटेरोस्टोम्स. तो ये हुई आपकी तीसरी कैटेगरी, जिसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को स्पेशली. अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, दैट फोर्थ कैटेगरी इज सिमेट्री. अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री. अब सिमेट्री का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सिमेट्री का मतलब आप सब समझते हैं जिसमें जो है सिमिलैरिटी दिख जाए. तो वही चीज़ बताई कि व्हाट इज सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है सिमिलैरिटी मिल जाए पार्ट्स में, है ना, अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें कोई सिमिलैरिटी मिल जाए. तो देखो, बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. वन इज एसिमेट्रिकल, अनदर इज सिमेट्रिकल. तो एसिमेट्रिकल मतलब है जिनकी बॉडी कहीं से भी एक जैसी नहीं होती, यानी बराबर सी बॉडी नहीं होती, कहीं से भी एक जैसी बॉडी नहीं होती, उसको कहते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल. ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देखें, डायग्राम में आपको अमीबा नजर आ रहा है. अब अमीबा की बॉडी क्या कहीं से भी सिमिलैरिटी रख रही है कि कहीं दो हिस्से ऐसे हों जहाँ से अगर हम उसको इक्वली डिवाइड करें तो, मतलब डिवाइड करते हैं तो इक्वल सा पार्ट आए. अब मैं इसको कैसे भी डिवाइड करूँ, वो कैसे भी तरीके से इक्वल डिवीजन दो हो ही नहीं सकते. इस टाइप की बॉडी को कहते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी. अब बात करते हैं सिमेट्रिकल, जिनको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है. अब इक्वल हाफ के लिए एक है, देखिए स्फेरिकल सिमेट्री. क्या है स्फेरिकल सिमेट्री, ये देखो आप. इसमें स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी बॉडी कुछ इस तरीके की है कि आप उसको दो सिमिलर हाफ में कट कर सकते हो. कहीं से भी आप कट करो, कहीं से भी, बस उसका जो सेंटर होगा, जैसे वो मान लीजिए एक बॉल है, तो बॉल के सेंटर से वो पास होना चाहिए. इंटरनली जो बॉल का सेंटर होता है ना, उस सेंटर से अगर वो लाइन पास होगी, वो कट पास होगा, देन बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो इसे कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, राइट? उसके बाद अगली बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की. व्हाट इज दिस रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जब बॉडी को हम लोग इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से, सेंटर से पास होना चाहिए और टॉप से बॉटम जाना चाहिए. इन दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों कहते हैं कि बॉडी को हम एक से ज़्यादा प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर से जाना चाहिए. यहाँ पर बात जो हुई है वो टॉप टू बॉटम हुई है, कि ऑर्गेनिज्म के टॉप से लेके बॉटम में आप कट डालोगे तब होना चाहिए. नेक्स्ट इज द बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री में देखिए, ऑर्गेनिज्म के सिर्फ कुछ पार्ट्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, तो आप एक ही प्लेन से उसे इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं टॉप टू बॉटम. यहाँ देखो, ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है एक इंसेक्ट का.
इसके ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, दो हाथ एक जैसे हैं, ये नीचे वाले। तो अगर हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ से कट करते हैं देन इट्स बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री आप एक बार फिर से देखेंगे, ए सिमेट्रिक उनको कहते हैं जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी तरीके से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं की जा सकती। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड की जा सकती है उन्हें सिमेट्रिकल कहते हैं। जिनमें अगर एक प्लेन से इक्वल हाफ में टॉप टू बॉटम कट कर सके तो उसे कहते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एक से ज़्यादा प्लेन से हम कट कर सकते हैं और सेंटर से पास हो टॉप टू बॉटम जाए तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर सेंटर से जाते हुए ये इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं फ्रॉम मोर देन वन प्लेन्स तो उसे कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये हमने पढ़ा चौथी कैटेगरी जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे मैं आपको अभी तक चार चीज़ें बता चुकी हूँ। एक मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी केस लेवल की है। सेकंड मैंने आपको बताया हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। देन हमने किया एनस और माउथ में से क्या पहले डेवलप हो गया, यानी प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स। देन वी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। फर्दर और भी बहुत सारे तरीके हैं तो वो हम आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको पेपर में पूछी जाती है तो ध्यान रखेंगे इनका।